क्या करेंगे अगर आपको ये पता चले कि आप अपने फैमिली के साथ बाहर आए हैं और पूरी शहर एक जहरीली गैस से भरी हुई है, तो आप कैसे अपने परिवार के साथ सरवाइव करोगे। वेलकम दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में इसी चैनल पे एग्जिट मूवी के साथ स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखा जिसका नाम है योंग नैम, जो कि अपनी डेली की एक्सरसाइज कर रहा है। उसी वक्त ह्यूम नाम का नेफ्यू जी हो आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। जी हो अपने अंकल से दूर दूर रहता है क्योंकि अब तक उसके पास कोई काम नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी योंग नाम की नज़र उस पर पड़ती है और उन्हें मिल्कशेक ऑफर करता है, पर जी हो मना कर कर आगे चलता बनता है। सीन में दिखाया जाता है योंग नाम अपने दोस्तों के साथ बैठकर कर रहा है और काम के लिए मदद मांग रहा है। तभी योंग नाम दोस्त उसके फ़ोन से जब अप्लाई करता है और कहता है कि हम दोनों की हालत एक जैसी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंग नाम के मॉम एंड डैड टीवी के लिए फाइट करते रहते हैं। योंग नाम किचन में काम करता रहता है। तभी उसकी बहन आ जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने बच्चों को खाना दिया, तो उसका जवाब होता है हाँ मैंने दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंग नाम की बहन उसके कपड़े चेक कर रही होती है और बोलती है कि वो मॉम के बर्थडे में क्या पहनेगा, और उसे कुछ पैसे देती है बाल कटाने के लिए, पर वो उसे फेंक देता है और उसे अपने रूम से निकल जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो वही पैसा उठा रख लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंग नॉम रेडी हो रहा है अपनी मॉम की 70th बर्थडे में जाने के लिए। फिर तभी योंग नॉम के डैड भी गुस्से में आके कहते हैं चलो ये लेट हो रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग नॉम अपने मॉम डैड के साथ पहुंचता है जहां उनकी तीन बहनें इंतजार करते रहती हैं, और फिर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। योंग नॉम अपने नेफ्यू को बुलाता है पर वो उसे इग्नोर करके आगे चलता बनता है। योंग नॉम की कजन उसे पूछती वो क्या करता है। योंग नॉम उसे बताता है कि वो सिर्फ खाता पीता और सोता है, उसकी कजन उसके तरह रहना चाहती है। पार्टी तब स्टार्ट होती है तब योंग नॉम की क्रश भी वहाँ काम करती है। उन दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है और वो दोनों भी एक दूसरे को देख के हैरान रहते हैं, और उसके बाद वो दोनों पार्टी से बाहर आ जाता है कुछ पर्सनल बातें करने के लिए। यूं जो उससे उसके काम के बारे में पूछती है तब योंग नॉम उसे झूठ बोलता है कि वो एक हेड सेल्स मैनेजर है। तभी योंजी उसे उसके पास्ट फीलिंग अपने बारे में पूछती है। योंग नॉम झूठ बोल देता है अपने पास्ट के बारे में कि उसे याद आ रहा होता है कि जी ने उसे भाई बोला था। योंग नॉम पार्टी में वापस चला जाता है और फिर पार्टी को एंजॉय करता है। योंग नॉम की बहन उसे सारे गेस्ट से मिलाती है और फोर्सफुली सेम गाना गाने के लिए बुलाती है, पर वो मना कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एओ का बॉस उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर ये सब योंग नॉम देखकर वापस चला जाता है। तभी एक सीन दिखाया जाता है एक अननोन ट्रक गैस लिए शहर में इंटर कर रहा होता है। एक पागल टेररिस्ट उस जहरीली गैस को ऑन कर देता है और वो गैस धीरे धीरे शहर में फैलना शुरू कर देती है। शुरू में लोग उसे एंजॉय करते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक तरह का जहरीली गैस पूरे शहर में फैलता देख लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस गैस की चपेट में आने से लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद शहर में एक जोर का धमाका होता है, उससे सुन योंग नॉम और उसकी फैमिली बाहर आकर देखती है। पता चलता है कि बाहर बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है। उसके बाद वो लोग अंदर की ओर भागते हैं। भी योंग नॉम देखता है उसका नेफ्यू अपनी माँ को बुला रहा होता है। योंग नॉम योंजू को बोलता है इसे अंदर ले जाओ, उसके बाद वो अपनी बहन को बचाने जाता है। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी बहन इनहेल हो चुकी होती है उस जहरीली गैस से। तभी योंग नॉम के फैमिली योंग नॉम और उसकी बहन को ढूंढ लेते। तभी योंग नॉम अपनी बहन को लेकर ऊपर आता है। तब सारे लोग उसे मिलकर लेटाते हैं। तब उसे तड़पता देख रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं। योंग नॉम अपना एड्रेस बताता है रेस्क्यू टीम को, उसके बाद वो लोग टेरेस की ओर बढ़ते हैं।
यमनम और यमजू एक स्पेशल तरह का थे अपनी बनाते हैं सिस्टर को कैरी करने के लिए जो उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में सीखा हुआ होता है। अपने फैमिली से कहता है कि सब टेरिस की ओर चले, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और एक दूसरे का मुंह देखते रहते। तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि सब लोग इमरजेंसी सेवा पहुंच रही है, सब लोग टेरिस पर जाएं। तब जाकर लोग टेरिस की ओर भागना शुरू करते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद पता चलता है इसका डोर लॉक है। उसके बाद फिर वो लोग की खोजने के लिए फिर नीचे जाते हैं। नीचे जाते के साथ वो लोग टीवी पर देखते हैं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया है और ऊपर से हर एक पब्लिक बिल्डिंग में 3 मास्क रखे होते हैं। वैसे ही सुनकर वो मैनेजर जाता है और उसे छुपा देता है। उसके बाद सब यमजू से मास्क के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वहाँ ड्रॉर में रखा हो। जब वो जाती है ढूंढने तो उसे वहाँ मिलता नहीं है क्योंकि वो मैनेजर छुपा कर वापस आ रहा होता है। जब वो मैनेजर सुनता है कि यमनम का कज़न जब की लाने को तैयार होता है, अगर उसके पास मास्क होता तभी मैनेजर रिटर्न जाकर उसे वो मास्क ला कर देता है और कहता है कि लो मैंने ये ढूंढ निकाला। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यमजू यमनम को देखती है कि वो एक शीशे को देख रहा है और उसे तोड़ने के बारे में सोच रहा होता है। दोनों मिलकर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और यमनम ट्रॉफीज को फेंक कर वो शीशा तोड़ भी देता है। शीशे की आवाज़ सुनकर यमनम के कजन्स और मैनेजर आकर देखते हैं। उसके बाद उनमें से एक कज़न ऊपर जाकर यमनम के डैड को बुलाता है। इधर यमजू यमनम को समझा रही होती है तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। तभी यमनम के माँ आ जाती, तभी यमनम दौड़ पड़ता है और एक लंबी सी जंप लगाता है दूसरे बिल्डिंग की ओर। तभी यमनम की फैमिली भी सब आ जाती है और उसे कहती है मत जाओ, पर वो जैसे तैसे कर दूसरे बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। तभी दूसरी ओर से यमजू रॉक क्लाइंबिंग का कुछ सामान यमनम की ओर फेंकती है। उसके बाद वो उसे देखकर बिल्डिंग पे चढ़ने की तैयारी करने लगता है। उसी दौरान वो फिर से जंप करता है पर दूसरे बिल्डिंग पे जहाँ से वो कूदा था। तभी यमजू देखती है यमनम सही सलामत है और उसके परिवार वालों को, तब उसके परिवार का एक बंदा एक अपने सेलफोन से वीडियो कॉलिंग कर परिवार वालों को दिखा रहा होता है। उसके बाद यमजू जैसे तैसे कर बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। उसके बाद जाकर वो टेरेस का दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद लोग ऊपर टेरेस पर आते हैं। उसके बाद उसके माँ बाप उसे थोड़ा सा नाराज रहते हैं और उसे मारते भी है थोड़ा सा। दूसरी तरफ यमजू भी यमनम को देख रही होती है। वैसे ही सारे परिवार को एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है। तो सब अचानक से हल्ला करने लगते हैं पर हेलीकॉप्टर उनकी तरफ ताकता नहीं है। तभी सब लाइट जलाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है यमनम के 2 कज़न मिसिंग रहते, तो अदर कज़न से पूछा जाता तो वो कहते कि वो नीचे गए हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो दोनों एक स्पीकर उठा के ला रहे हैं हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए। उसके बाद सब लोग उसमें बोलकर हेलीकॉप्टर को बुलाने लगते हैं। उससे भी कोई काम नहीं बनता है। तब यमजू नीचे जाकर बिल्डिंग की लाइट्स ऑन ऑफ करती है। तब हेलीकॉप्टर की नज़र उस बिल्डिंग पे पड़ती है और वहाँ के लोगों पर। उसके बाद हेलीकॉप्टर आकर सबको रेस्क्यू करती है। यमनम यमजू का इंतज़ार करता रहता है पर जब तक हेलीकॉप्टर जगह फुल हो जाने के कारण ओवरलोड की वार्निंग मिलने लगती है। उसके बाद यमजू के मॉम डैड बोल पर रेस्क्यू पर्सन उसे अंदर आने से मना कर देता है। उसके बाद यमनम बोलता है कि आप लोग जाओ, मैं पीछे से आऊँगा। यमनम की वजह से यमजू भी नहीं जा पाती है और रोने लगती है और कहती है उसे भी उस हेलीकॉप्टर पे होना चाहिए था। यमनम यमजू को सॉरी भी बोलता है। वैसे ही वहाँ एक दूसरा हेलीकॉप्टर आता है और वो खुश हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। यमनम तभी बोलता है यहाँ से बचने के बाद मैं वो सामने वाली बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले पे बिल्डिंग पर जॉब करूँगा। वैसे ही वो हेलीकॉप्टर चला जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर को बुलाते रह जाते पर वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आता। उसके बाद यमनम देखता है जहरीली गैस ऊपर की ओर उठ रही है। तब वो अंदर की ओर भागते हैं और इमरजेंसी चीज़ें को इकट्ठा करते हैं जैसे मास्क, वाटर एक्सेट्रा। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यमनम की सिस्टर बेड पर लेटी हुई होती है और उसके माँ बाप उसके बगल में खड़े होते हैं। यमनम की सिस्टर को होश आते ही वो यमनम के बारे में पूछती है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि वो आ रहा है।
तभी दिखाया जाता है शहर में जहरीली गैस ऊपर की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ यमुना की सिस्टर्स उसे कॉल कर रही है पर वो अब कॉल नहीं उठा रहा है। हमें दिखाया जाता है यमुना जो भाग रहे होते हैं मास्क पहनकर शहर में दूसरे बिल्डिंग की ओर। भागते भागते वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। तभी यमुना देखता है उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और 10 मिनट भी पूरे होने वाले होते हैं। तभी वो तीसरा मास्क यूज़ करता है यमुना जो के लिए और उसे कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए मास्क ढूंढ कर लाता हूँ। ये जो समझ नहीं पाती और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी यमुना कहता है वहीं पे रुक जाओ, गैस ऊपर की ओर आ रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यमुना के मॉम एंड डैड आते जाते लोगों में अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं यमुना के बारे में। उधर यमुना यूजू के लिए मास्क ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ यूजू की ओर गैस बढ़ रही होती है। वो उसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करती है और चढ़ जाती है। तभी यमुना आता है मास्क लेकर। जो देखते यमुना आया है मास्क लेकर उसे मारती भी है थोड़ा सा और बोलती है तो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है यमुना के डैड भागते हैं उसे बचाने के लिए और एक टैक्सी वाले को पकड़ते हैं। दूसरी तरफ के दोस्त भी आ जाते हैं और कज़न भी मदद करने के लिए और साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यमुना और जो एक जिम में पहुंचते हैं। उसके बाद वहां थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करते हैं और पंखे के सामने हवा खाने थोड़ा सा लगते हैं। उसके बाद वो लोग उनके खिड़की ही से दूसरे बिल्डिंग पे जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद दोनों जिम के खिड़की ही से डंबल में रस्सी बांधकर दूसरे बिल्डिंग पर फेंकते हैं। यमुना जाने का फैसला करता है पर यूजू मना कर देती है कि वो उसका वेट संभाल पाए अगर। उसके बाद यूजू पहले जाती है। यूजू जैसे तैसे करके चढ़ जाती है। दूसरे तरफ ये पता चलता है कि वाटर जो है उस गैस को न्यूट्रलाइज कर देता है। सीन में दिखाया जाता है यमुना भी उस बिल्डिंग के टेरिस पे आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे ढेर सारे मैनेकिन रहते हैं जो उनकी हेल्प से हेलीकॉप्टर को अपने की ओर आकर्षित करने की नज़र सामने वाले बिल्डिंग पे पड़ती जहाँ बहुत सारे बच्चे फंसे हुए होते। तब वो लोग मैनेक्विन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हेलीकॉप्टर को वो बता सकें कि वो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। एक एरो का शाइन बना कर जिसे वो हेलीकॉप्टर देख लेता है और उन बच्चों को बचा लेता है। बाद हमें दिखाया जाता है शहर में कहीं से धमाका होता है और उस धमाके के फोर्स से वो जहरीली गैस हवा में उड़ती है। और एक तरफ यमुना के डैड ड्रोन वालों से पैसे दे के उससे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं और ड्रोन ढूंढ भी लेता है और उसी ड्रोन फुटेज को लाइव टीवी पे चलाया जाता है जहां यमुना का नेफ्यू चीहू की नज़र लाइव टीवी पर पड़ती है और वो अपने परिवार वालों को बताता है। उसके बाद यमुना की मॉम भी टीवी देखती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यमुना एंड यूजू कैसे स्ट्रगल कर भाग रहे होते हैं उस गैस से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग। दूसरी तरफ यमुना की माँ लाइव टीवी देख रही होती है। ये दिखाया जाता है यमुना और जो भाग रहे होते हैं एक बड़े से बिल्डिंग की ओर। लास्ट बिल्डिंग पे जाकर वहाँ पे वो रुक जाते क्योंकि उसके आगे कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं होती जिस पे वो चढ़ कर आगे की ओर जा सके। लास्ट में वो होप खोने ही वाले रहते हैं। तभी कहाँ से बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। तब जाकर उनमें थोड़ी सी हिम्मत आती है। उसके बाद वो लोग आखिरी ट्राई करना चाहते हैं। उसके बाद एक ड्रोन को अपनी की ओर बुलाते हैं और उस ड्रोन से कहते हुए एक रस्सी को दूसरे बिल्डिंग में जाकर फंसाने के लिए और वो ड्रोन फंसा भी देता है। उसके बाद वो लोग ट्राई करते हैं उस रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग तक जाने के लिए पर बीच में ही जाकर अटक जाते हैं। उसके बाद जो यमुना के बैग से एक नाइफ निकालती है और उस रस्सी को काट देती है। तभी वो लोग नीचे की ओर गिरने लगते हैं और ये सारा चीज़ लाइव फुटेज लाइव टीवी पर दिखा रहा होता है। उसी को देखते हुए रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आती है पर वो वहाँ नहीं मिलते हैं। उसके बाद वो रिटर्न होने लगते हैं। उसके बाद उनकी नज़र एक क्रेन पे पड़ती है जहाँ यूजी और यमुना बैठे हुए होते हैं। तब उन्हें बचा लिया जाता है और वो रिटर्न भी आते हैं और अपने परिवार वालों से मिलते भी हैं। तब यूजी अपने मॉम डैड को कॉल करती है और यमुना अपनी मॉम को गोद में उठा कर डांस भी करता है। दूसरी तरफ यूजू का मैनेजर उसे झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए आता है। वो उसे एक पंच मार कर गिरा देती है। उसके बाद यमुना आता है यूजू के पास और बाद में मिलने के लिए बोलता है।
और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो जहरीली गैस धीरे धीरे खत्म होने लगती है।